ठीक है, सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट पार्ट जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं वॉइस का। ठीक है, कि आखिर पैसिव वॉइस हम कहाँ यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट है, वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन वी डू नॉट नो हु हैज डन द एक्शन। जब हमें नहीं पता होता कि भाई एक्शन किया किसने है, जब काम किसने किया मुझे नहीं पता, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जो नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, दिए देखो, माय पर्स वाज स्टोलन एट फेयर, या माय बैग वाज स्टोलन एट फेयर या मार्केट, कुछ भी लिखो, कि मेरा बैग मार्केट में खो गया या मेरा पर्स मेले में खो गया। तो मैं जो बोल रही हूँ इसमें मुझे नहीं पता कि भाई लिया किसने है मेरा पर्स, चोरी जो किया है वो किसने किया है, मुझे एक्शन करने वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता, डूअर कौन है नहीं पता। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जहां मुझे एक्शन करने वाले के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, व्हेन वी डू नॉट नो हु हैज डन द एक्शन, तब हम क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है, बीच में रिस्पॉन्स करते रहो सो दैट आई कैन नो यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। ओके, लेट्स मूव। ओके, समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। इट विल बी वेरी नाइस अगर आपके पास कॉपीज है और आप लिखना स्टार्ट करें तो। ठीक है, तो प्लीज लिखते रहो साथ में जो जो मैं बताती हूँ, इससे तुम्हारा अच्छा रहेगा साथ में समझ, क्योंकि लिखना तो है ही। जब क्या लिखी हूँ, जो पैसिव वॉइस। हाँ, एक्टिव तक तो पूरा हो गया होगा ना कॉपी में। क्या दोनों पॉइंट लिख ले? हाँ, दोनों पॉइंट लिख लीजिए, बाकी अगर कुछ छूट जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स डालूंगी, उससे चेक कर लेना। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। व्हेन द डूअर ऑफ एक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक तो मुझे डूअर के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि किसने किया, ठीक है, और दूसरा है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरे लिए वो जरूरी भी नहीं है। ठीक है, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि भाई किसने किया, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, सीबीएसई रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, कि सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो क्या हम ये पता करने जाते हैं कि किसने रिजल्ट डिक्लेयर किया? नहीं, हम सिर्फ देखते हैं अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो हो गया। जैसे कोरोना वायरस, वो पेज निकालिए ना, वो पेज दोबारा बैक कर दे। अच्छा ठीक है, लिख लो। हो जाए तो बता देना मुझे। आगे बढ़े, हो गया, लिख लिया आपने? यस मैम। ओके, ठीक है, तो जैसे लिखा है सीबीएसई रिजल्ट वॉल डिक्लेयर, तो हमारे लिए डूअर इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे कि भाई किसने रिजल्ट डिक्लेयर किया, या फिर जैसे अभी लेटेस्ट कोरोना वायरस को लेकर इन्फॉर्मेशन आई, नोटिस आई कि हाँ स्कूल शट डाउन हो जाएंगे 21st तक, जैसे अभी फर्स्ट नोटिस में है कि स्कूल्स नहीं ओपन होंगे, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ हमें ये करना है, नोटिस मिल गया हमें, तो वी आर नॉट केयरिंग अबाउट कि नोटिस किसने लिखा, हमारे पास कैसे पहुंचा, हमें पता है भले उस पे हमने देख लिया अच्छा ठीक है साइन है हो गया, तो अब किसके द्वारा पहुंचा, वो हमारे पास प्योन लेके आया कि कोई पर्सन लेके आया कि मुझे व्हाट्सएप से पता चला या कैसे पता चला, डूअर कौन है मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, और हमारे लिए वो जरूरी भी नहीं है। जरूरी क्या है कि क्या है नोटिस, है ना, एक्शन क्या करना है हमें या क्या किया गया है। तो अगर ऐसा भी कोई केस है जिसमें हमें डूअर की इम्पॉर्टेंट नहीं है, लीड नहीं है उतनी ज्यादा, वहां पे भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में डूअर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डूअर के बिना एक्टिव वॉइस हो ही नहीं सकता, क्योंकि डूअर का एक्टिव वॉइस का फोकस ही होता है कि क्या सब्जेक्ट डूअर है या नहीं है, लेकिन पैसिव में इसका
उल्टा होता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ में आया? यस मैम. थर्ड पॉइंट है कि अब पैसिव वॉइस, एक तो जहां हमें नहीं पता होता कि सब्जेक्ट कौन है, फिर दूसरा में हम सॉरी डूअर कौन है, सेकंड में कि हमें डूअर की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी ज्यादा हम, ठीक है, डूअर इम्पोर्टेंट नहीं है सेंटेंस में, तब यूज करते हैं. उसके बाद पैसिव वॉइस हम कोई साइंटिफिक रिपोर्ट्स बनानी हो, ठीक है, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट बनानी हो, जैसे कि हाँ बोलो, जैसे मैम लाइक एच क्या, जैसे मैम हाँ हाँ एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि टेस्ट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये एग्जांपल नंबर ए है ना, द क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है. उसके बाद हम यूज करते हैं कोई मुझे हेडिंग लिखनी हो, हेडलाइंस लिखना हो, ये पहले ये लिख लेना, उसके बाद इसके रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट पेज में लिखवा देती हूँ, ठीक है. कोई साइंटिफिक रिपोर्ट बनानी हो तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं. किसी चीज का हेडलाइन लिखना हो, जैसे कि कार की प्राइस हाइक हो गई, तब, या फिर कोई एडवर्टीजमेंट लिखना हो, जैसे कभी कभी तुमने किसी बैनर पे पोस्टर पे देखा होगा 10,000 कैश प्राइस फॉर द विनर, 10,000 या फिर एन नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर दिस, तो ऐसे लिखा होता है, तो एडवर्टीजमेंट में भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं. कोई हमें फॉर्मल नोटिस देना हो, जैसे मैंने कोरोना वायरस का नोटिस बताया, या फिर कोई मुझे अनाउंसमेंट करना हो कि जैसे कि एवरीवन हैव टू सम एवरीवन नीड टू इन्फॉर्म बिफोर लीविंग द क्लास, तो अनाउंसमेंट करना हो तभी भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं. कोई न्यूज़पेपर में रिपोर्ट लिखनी हो, न्यूज़पेपर में जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो पैसिव वॉइस में ही होता है. तो क्या क्या पता चलिया हमें कि जब डूअर के बारे में नहीं पता हो तब हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे, जब डूअर इम्पॉर्टेंट ना हो तब पैसिव वॉइस यूज करेंगे, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट लिखनी हो तब पैसिव वॉइस यूज करेंगे, हेडलाइन और एडवर्टीजमेंट्स में भी हम पैसिव वॉइस ही यूज करेंगे, फॉर्मल नोटिस या अनाउंसमेंट्स के लिए भी हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे, और साथ ही साथ अगर मुझे न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है तो भी मैं पैसिव वॉइस ही यूज करूंगी. ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए देखो, द क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, कि साइंटिफिक रिपोर्ट है कि भाई हमें क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में ही हीट करना चाहिए, ठीक है. या फिर मैंने कोई हेडिंग लिखा कि कार, सॉरी ये पी आर आई जेड एस है, ठीक है, पी आर आई जेड एस प्राइजेस, कार प्राइजेस हाइक, की कार की जो रेट है वो बढ़ गई. या फिर मुझे कोई एडवर्टीजमेंट लिखना हो, 10,000 कैश प्राइस फॉर विनर, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, हम एक ये फॉर्मल नोटिस भेज रहे हैं कि स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें. या फिर मुझे कोई अनाउंसमेंट करनी हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म टू द टीचर बिफोर लीविंग, कि आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ से निकलने से पहले, यहाँ से जाने से पहले टीचर को इन्फॉर्म करेंगे. या फिर न्यू ट्रेन इज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नया ट्रेन का जो उद्घाटन है, इनॉग्रेटेड मतलब होता है उद्घाटन करना, ठीक है, कोई न्यू ट्रेन का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, ठीक है. तो ये साइंटिफिक रिपोर्ट, सॉरी ये हमारे पास न्यूज रिपोर्ट हुआ न्यूज पेपर राइटिंग के लिए कि हाँ जो नया ट्रेन स्टार्ट होने वाला उसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, या जो भी कंसर्न बॉडीज या गवर्नमेंट होते हैं उसका नाम लिखा रहता है, ठीक है. तो समझ में आया कि पैसिव वॉइस कहाँ कहाँ यूज करना. कार क्या लिखे, कार बी नंबर में एग्जांपल, हाँ एग्जांपल बी में कार प्राइजेस लिखा है, वो पी आर आई जेड ई एस, ठीक है. आगे बढ़े. नो मैम, लिख रहे हो क्या, लिखो.
समझ में आ रहा है ना? यस ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी लिख लो। कार प्राइजेस हाइक के बाद लिखा है 10,000 कैश प्राइज फॉर द विनर, ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। शुड वी मूव अहेड, लिख लिया आपने? यस मैम। ओके यस मैम। यस ठीक, थैंक यू। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि वॉइस क्या है। अब हमें ये भी पता चल गया कि हाँ, वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा एक्टिव होता है और कौन सा पैसिव होता है। हमें ये भी समझ में आ गया कि मुझे कहाँ एक्टिव यूज करना है और कहाँ पैसिव यूज करना है। अब लेकिन हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है? या फिर हमें कन्वर्ट करने से पहले क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए कि हाँ, कौन से सेंटेंसेस कन्वर्ट हो सकते हैं, क्या चेंज करना है, क्या नहीं चेंज करना है, ठीक है? तो देयर आर सम बेसिक, यू कैन से, रूल्स या फिर कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ठीक है? तो देखो क्या है वो, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, कि हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या क्या चीज हमें दिमाग में रखनी है, कीप इन माइंड, ठीक है? भूलना नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्ट चीज कि सेंटेंसेस विथ इंट्रांसिटिव वर्ब, क्या होता है इंट्रांसिटिव वर्ब? मैम हाँ बोलिए। वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे पैसिव में, ठीक है? विदाउट ऑब्जेक्ट वाले नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है बेसिक रूल, जैसे हम देखो ये है कि श्वेता एट मैंगो, तो श्वेता क्या है हमारे यहाँ सब्जेक्ट, एट क्या है वर्ब, और मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसको चेंज करना हो पैसिव में तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट करूंगी, है ना? और यहाँ वी टू लिखा है तो वी थ्री और उसके बाद बाय लिखूंगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे कहाँ सब्जेक्ट लिखूंगी? अगर यहाँ पे मैंगो नहीं लिखा हो, सिर्फ यहाँ पे अगर लिखा हो श्वेता एट, तो मैं कहाँ आगे जो चेंज करूंगी पैसिव में, वो कैसे चेंज होगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव नहीं कन्वर्ट होगा, और जिसमें है वो आराम से पैसिव कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है या ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट देखते हैं हम किसे चेंज कर पाएंगे या नहीं चेंज कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो तुमको याद रखनी है वो ये कि ओनली सेंटेंसेस विद ट्रांजिटिव वर्ब, कौन से सेंटेंसेस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स हो। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, आर ट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो उसको हम चेंज कर पाएंगे किसमें, ऑब्जेक्ट में, ठीक है, सॉरी पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल के देखो, मैंने जैसे ये एग्जाम्पल है लिखा है राम प्ले लूडो, ठीक है? तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है हमारा, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लूडो। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, कन्वर्जन का बेसिक रूल है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बेस पे करना है। तो मैंने राम की जगह पे लूडो लिखा और लूडो की जगह पे राम लिख दिया, ठीक है?
इज हेल्पिंग वर्ब लगाया, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे लगाया, और वर्ब का थर्ड फ्रॉम बेसिक जो तुमको बताया गया कि वर्ब का चाहे हम कोई भी टेंस का कन्वर्ट करेंगे पैसिव, हमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, वर्ब थर्ड, और उसके बाद वर्ब के बाद बाय. तो ये कन्वर्ट होके किस में चेंज हो गया, लूडो इज प्लेड बाय राम. यहीं पे अगर मैं ये लिख देती सेंटेंस कि राम प्लेज, सेंटेंस तो कंप्लीट है ना, राम खेलता है, इनकम्प्लीट तो नहीं है. लेकिन क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो क्या खेल रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता, और इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकते पैसिव फॉर्म में. ठीक है, तो समझ में आ गया कि इंट्रांजिटिव नहीं चेंज होगा पैसिव वॉइस में, और ट्रांजिटिव चेंज हो जाएगा. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओ मैम, ठीक. क्या हुआ, लिखे भी इसको? हाँ, साथ में लिखते रहो मैम. हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं आप लिखते भी रहिए, अगर कुछ छूट जाता है या नहीं लिख पाते हैं तो आई सेंड यू लिंक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभी अपलोड कर दूंगी कुछ देर में, क्लास खत्म होने के बाद. ठीक है, और इससे पहले का जो लेक्चर जिसमें वॉइस, वॉइस की डेफिनेशन, पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया, अगर किसी को देखना हो वो भी तो आप देख सकते हो. ठीक है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है. ठीक है, अच्छा, तो हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का तो पता चल गया. अब तीसरी चीज मुझे क्या याद रखनी है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस अगर हो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से मेरा मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट भी, पास्ट परफेक्ट भी और फ्यूचर परफेक्ट भी, तीनों की बात करूं, तो इसका मतलब कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तीन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अगर ये तीनों फॉर्म में हमारा सेंटेंस है तो हम उसका भी पैसिव नहीं बना पाएंगे. डू नॉट हैव पैसिव फॉर्म, इसका भी कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है. तो हमने पढ़ा था कि टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस, तो टेंस के कितने पार्ट होते हैं, टाइम और एक्शन बेस पे टोटल 12, 12 में से तीन इधर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो गया और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हो गया, तो टोटल चार तो हमारा कन्वर्ट ही नहीं होगा पैसिव फॉर्म में, तो टोटल हमें 8 कन्वर्ट करना है. ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है ये पॉइंट? बताओ. यस मैम. क्लियर, ठीक. क्या हुआ? सो शुड वी मूव अहेड, आगे बढ़े? रुपया सब मेरा. क्या हुआ, एक एक बोल, अच्छे समझ में नहीं आया, क्या बोले, दोबारा बोलना. एक वाला सेंटेंस, सेंटेंस नहीं समझ में आया, दोबारा बता दे. मैंने कहा कि थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखनी है कि अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, उसका हम पैसिव फॉर्म नहीं चेंज कर पाएंगे उसका, क्योंकि कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, होप आई एम क्लियर. इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट? ओके, सो लेट्स मूव अहेड. अब तुम्हें फोर्थ पॉइंट जो याद करनी है चेंज करते टाइम, कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्ट्रांसिटिव. ठीक है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको डाइट्रांजिटिव बोलते हैं, सॉरी. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो उसका हम एक नहीं, हम चाहें तो उसे दो दो चेंज कर सकते हैं, दो दो पैसिव फॉर्म चेंज कर पाएंगे. ठीक है, तो वो कैसे चेंज होगा वो हम आगे जब कन्वर्जन बताएंगे तो विल एक्सप्लेन टू यू. तो सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट कैन हैव टू पैसिव फॉर्म. जब दो ऑब्जेक्ट है हमारा तो हम कितने फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दो फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज करेंगे, विल मूव व्हेन वी लर्न कन्वर्जन रूल्स, तब हम बताएंगे आपको. ठीक है, बस अभी ये याद रखो कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो हम उसका दो पैसिव फॉर्म बना सकते हैं. कभी कभी सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या एक हिडन होता है, या एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखनी है, फिफ्थ पॉइंट, व्हाइल कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस
टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जो प्रोनाउंस यूज होंगे. एक्टिव में जो प्रोनाउन यूज होगा जैसे आई एट एन एप्पल, तो उसका प्रोनाउन सॉरी पैसिव होगा एन एप्पल इज ईटन बाय मी, तो मैंने आई का मी कैसे किया. तो जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितने भी प्रोनाउंस हैं वो कैसे चेंज होंगे. देखो अगर एक्टिव में आई लिखा हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मी में हो जाएगा. अगर एक्टिव में वी लिखा है तो वो कन्वर्ट होके अस हो जाएगा. अगर एक्टिव में यू लिखा है तो कन्वर्ट होके यू ही रहेगा, यू सेम रहेगा, यू चेंज नहीं होगा. अगर शी लिखा है तो हर हो जाएगा, ही लिखा है तो हिम हो जाएगा, दे लिखा है तो देम हो जाएगा. और अगर किसी का भी नाम लिखा हो, ठीक है, कोई नाम लिखा है तो नेम विल रिमेन एज इट इज, नेम विल नॉट चेंज. अगर मैंने राम लिखा है सेंटेंस में, जैसे कि राम एट एन एप्पल, तो एन एप्पल इज ईटन बाय राम ही रहेगा. उसका नाम हम ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से भाई श्याम बना दे, ठीक है, या फिर ही लिख दे, प्रोनाउन यूज कर ले, नो, विल नॉट चेंज द नेम और विल नॉट यूज एनी प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ दैट नेम. तो अब कोई भी प्रोनाउन आई हो, वी हो, यू हो, शी, ही, दे, इन सब में से कोई भी प्रोनाउन अगर एक्टिव फॉर्म में लिखा होता है, एक्टिव सेंटेंस में लिखा होता है, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम आई के बदले क्या लिखेंगे, मी. ठीक है, समझ में आया? Yes, ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम, यस मैम. ओके देन, सो लेट्स मूव अहेड. यस, ओके, गिव मी अ मिनट. अच्छा, तो अब हमें ये पता चल गया कि कैसे कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है. अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन का बेसिक रूल क्या है. तो तुमको ये पता चल गया कन्वर्जन के टाइम तुमको इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं कन्वर्ट होंगे पैसिव में, हमें सिर्फ ट्रांजिटिव चाहिए कन्वर्जन के लिए. अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, डाई ट्रांजिटिव है, तो उसके दो पैसिव फॉर्म्स होंगे. अगर कोई भी प्रोनाउंस यूज हो रखा है एक्टिव फॉर्म में, तो मैंने जैसे जैसे बताया उस हिसाब से वो चेंज होगा जो रूल्स ऊपर में लिखे हुए हैं. और एक पॉइंट कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, ये सब चेंज नहीं होंगे पैसिव फॉर्म में, ये सभी के सभी चेंज नहीं होंगे. तो टोटल जो हमारे पास 12 टाइप ऑफ टेंसेस है, उसमें से सिर्फ हम चेंज किसको करेंगे, सिर्फ हम 8 पार्ट को ही चेंज करेंगे. बाकी रेस्ट ऑफ द 4 वी वॉन्ट बी एबल टू चेंज, क्योंकि उसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, तो अब भाई कैसे चेंज करेंगे, क्या रूल है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कन्वर्जन का क्या रूल है, हमें कैसे ध्यान रखना है. सबसे पहले जब हमने टेंस पढ़ा, तो सबसे फर्स्ट टेंस कौन सा क्रिएट किया था हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही टेंस था ना हमारे पास, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने बोला कि सबसे फर्स्ट है. तो अब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में तुम्हारे पास मान लो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट होंगे, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो हमें पता ही है कुछ चेंज करना है नहीं, तो क्या चेंज होता है, मेन वर्ब, वर्ब के साथ देखो क्या चेंज होगा. अगर एक्टिव फॉर्म में ईट या ईट्स लिखा हुआ है, वो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर है, उसके हिसाब से होगा, तो उसके साथ उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे, आम लगा सकते हैं, आर लगाएंगे. इज आपको पता है कहाँ यूज होगा, सिंगुलर में इज यूज करेंगे, प्लूरल में सॉरी आई के साथ एम यूज करेंगे, और कोई प्लूरल है तो उसके साथ हम आर यूज करेंगे. और उसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है जो वी वन है, वो चेंज होके यहाँ पे पैसिव फॉर्म में कौन से में चेंज हो जाएगा, वी थ्री में. उसके बाद बाई लगेगा और ऑब्जेक्ट लगा, वो हमें बेसिक रूल पता ही है. जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको देखते हैं, अगर लिखा है आई एट मैंगो, अगर आई एट मैंगो लिखा है तो आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, एट क्या है हमारा वर्ब, और मैंगो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट. तो अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा. तो हमने आई के बदले मैंगो लिखा, और मैंने जैसा जस्ट अभी फोर्थ रूल में बताया था, सॉरी फिफ्थ में, कि प्रोनाउन अगर कुछ होता है तो वो चेंज होगा. तो आई किस में चेंज हो गया मेरा, मी में चेंज हो गया पैसिव में. ठीक है, और मैंने कहा
कि इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हमारा कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा इन तीनों में से. अब ये हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे. अब जैसे मैंने, हाँ बोलो, कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे. जैसे मेरा यहाँ सब्जेक्ट है मैंगो, जो कि है सिंगुलर. क्योंकि मैंगो सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ यूज किया इज. अगर मैं मैंगोज लिखती तो मैं यहाँ क्या यूज करती, आर यूज करती. अगर यहाँ, हाँ बोलो, पास्ट इंडेफिनिट है, आई एट एन में वी टू है, इसको मैंगो वन होगा. सॉरी ये ईट कर लो, इसको ई ए टी कर लो. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो अगर लिखा हो आई ईट मैंगो तो किस में चेंज होगा, मैंगो इज ईटन बाय मी. तो मैंने क्या किया, मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए मैंने इज लगाया, और मैंने कहा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो इसलिए मैंने वी थ्री यूज किया. ईट का हो जाएगा ईटन, और वर्ब के बाद हम बाय लगाते हैं ये आपको पता है, तो इसलिए हमने बाय लगाया. और फिर आई चेंज होके, आई प्रोनाउन चेंज होके किस में हो गया, मी में. तो फिर फाइनली मेरा पैसिव फॉर्म हो गया, मैंगो इज ईटन बाय मी. इसमें किसी को कोई डाउट? नो. ठीक है, अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं. अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगी सबको, अगर इन केस लास्ट में मेरे माइंड से स्किप हो जाता है. जैसे आज मैं कोशिश करूंगी कि प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट के सभी जो तीनों कन्वर्ट होंगे, हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं कन्वर्ट होगा, तो जो तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद आप अपनी हिसाब से पांच सेंटेंसेस लिखेंगे हर किसी का. पांच, चार पांच एग्जांपल मैं खुद भी करवा रही हूँ, पांच आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे. जैसे मैंने पहला स्टार्ट किया सिंपल प्रेजेंट, तो मैं सिंपल प्रेजेंट के पहले फाइव टेंसेस लिखूंगी, सेंटेंसेस लिखूंगी विद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं उसको कन्वर्ट करूंगी पैसिव में. ठीक है, उसके बाद फिर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताऊंगी, फिर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आप फाइव सेंटेंस लिखोगे और फिर उसको कन्वर्ट करोगे पैसिव में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट लिखोगे और फिर प्रेजेंट परफेक्ट को कन्वर्ट करोगे. तो इसका मतलब 15 जो सेंटेंसेस है वो आपको कन्वर्ट करना है. आप चाहें तो मैं 15 सेंटेंसेस क्लास खत्म होने के बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगी, या फिर बेटर होगा तुम्हारे लिए तुम अपने आप करो. क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा टेंस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हें टेंस लिखना आ जाएगा, समझ रहे हो. लेकिन ये सबकी कॉपी में होना चाहिए. अब वो मैं कैसे चेक करूंगी वो मेरे पे छोड़ दो तुम, लेकिन सबकी कॉपी में नेक्स्ट क्लास से पहले होना चाहिए. बोलो क्या लिखे? नहीं मैम, क्या नहीं लिखे? पुराने लिखे मैम, इनकम्प्लीट है. क्या नहीं लिखा? नोट्स अभी जो मैम बता रहे हैं ये तो मैं क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. यस मैम, ये तो वहां से आप नोट कर लेना. इस सेंटेंसेस के सिवा आपको अपने आप से फाइव और सेंटेंस लिखना है हर किसी टेंस का. कौन ई सी के लिए सुधार है अभी नीचे वाला कोई आप, अच्छा पहले देख लो उसके बाद बताते. जैसे देखो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, कैसे चेंज होगा पता चल गया. यस मैम, मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ. और देखो जैसे एग्जांपल नंबर वन है हमारा, He writes an essay. He क्या है यहाँ पे? Subject. Yes, writes क्या है हमारा? Verb. और an essay क्या है हमारा? Object. तो object की जगह पे हम subject की जगह पे object लिखेंगे. तो मैंने an essay लिख दिया. उसके बाद मुझे पता है कि कोई एक helping verb लगाना है. अब essay क्या है? Singular. इसलिए मैंने क्या helping verb लगाया? Is. उसके बाद verb का हमें third form use करना है. तो writes का क्या हो गया मेरा यहाँ पे? Written. V3 लगाया हमने. उसके बाद पता है हमें by लगाना है हमें हर sentence में passive form में. और he pronoun है जो कि change होके him में हो गया. इस sentence में कोई doubt? No. Okay. दूसरा sentence देखो, जैसे I does the housework. मैंने घर का काम किया. मैं घर का काम करता हूँ. ठीक है, तो आई क्या है यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट, डज क्या है मेरा करना. यहाँ पे डज जो है करने से मेरा मतलब है. तो डज क्या है? वर्ब. और हाउस वर्क क्या है मेरा?
ऑब्जेक्ट, द हाउस वर्क क्या है ऑब्जेक्ट. फिर मैंने वही किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा, तो मैंने आई के बदले द हाउस वर्क लिखा. उसके बाद क्योंकि हाउस वर्क सिंगुलर है, अगर मैं हाउस वर्क्स लिखती तो यहाँ मैं आर लगाती, लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ वर्क लिखा है तो सिंगुलर हुआ, इसलिए इज लगाया मैंने. और वर्ब का जो डू है वो सेकेंड फॉर्म होता है डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन, है ना, डू डिड डन होता है ना. तो क्योंकि मैंने यहाँ कौन सा फॉर्म यूज किया, इसीलिए मैम गलत है. क्या हुआ बोलो? आई डज द वर्क, आई डज द हाउस वर्क. यस मैम, आई डज द हाउस वर्क. वहां डू होगा? यस मैम. अच्छा हाँ, प्लूरल है ना, आई डू होगा, सही बात है. ठीक है, आई डू द हाउस वर्क. ठीक है, तो द हाउस वर्क इज, तो डू का क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म डन, और हमें पता है उसके बाद हम बाय यूज करेंगे, इसलिए बाय. और प्रोनाउन फिर से आई जो प्रोनाउन था सब्जेक्ट में मेरा, वो जब ऑब्जेक्ट प्लेस में आया पैसिव फॉर्म में, तो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया, मी. समझ में आया? सेकेंड सेंटेंस समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? नो मैम. नो, चलो नेक्स्ट. क्या इस पर बनाना है मैम? फाइव फाइव सेंटेंस. पहले आप क्या करेंगे, आप जो आज का नोट्स है, क्लास खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप पूरा का पूरा नोट्स अपनी कॉपी में लिखेंगे. यस मैम. ठीक है, हो गया, लिख लिया आपने. उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, उसके बाद आप अपने आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के पांच सेंटेंस लिखोगे. हाँ? और उसका कन्वर्ट करके पैसिव फॉर्म लिखोगे. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का भी करना है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी अभी. ठीक है, वो आपकी कॉपी में रहना चाहिए. वो कैसे चेक करेंगे मुझे अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं चेक करूंगी. ठीक है, तो कब पूछना है मैं तो ये नहीं कि मैम चेक नहीं करी तो नहीं करना है, वो आपका प्रैक्टिस के लिए. अगर वो यहाँ आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब हम पास्ट का पढ़ेंगे कन्वर्जन, फिर हम फ्यूचर का पढ़ेंगे कन्वर्जन, तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें. ठीक है, तो इसलिए एग्जांपल्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्लीज कंटिन्यू रखना है साथ में. इसलिए मैंने मिड में बता दिया कि कहीं लास्ट में स्किप हो गया मेरे से. तो चलो लेट्स मूव टू द थर्ड सेंटेंस. एंड द थर्ड सेंटेंस इज शी क्लीन्स द रैबिट्स. वो रैबिट को साफ करे, नहा रही होगी, साफ सुथरा करी होगी, गंदी होगी उसकी रैबिट. बोलो मैम. सेकंड सेंटेंस देखिए, द रैबिट आर दिया हुआ है, उसको इज कीजिए. नहीं, उसको इज करने की जरूरत नहीं है. देखो, इसको रैबिट्स करने की जरूरत नहीं है. हां यस मैम, कर दीजिए, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा रैबिट, सॉरी ऑब्जेक्ट तो हमारा रैबिट्स ही है ना. तो शी क्लीन्स द रैबिट्स. अब क्योंकि रैबिट्स प्लूरल है, तो मैंने सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा द रैबिट्स, और उसके बाद मैंने क्या हेल्पिंग वर्ब लगाया, आर. ये गलती से मैं रैबिट लिख दी एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि रैबिट्स प्लूरल है इसलिए मैंने आर लगाया. ठीक है, अब देखो जैसे अभी कहा कि मैम इज कीजिए, तो हमें इज नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था रैबिट्स, वो रैबिट्स था, रैबिट नहीं था. तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम अपना हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे. ये नहीं कि हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट चेंज कर दे रहे, नहीं, क्योंकि मेरे पास दूसरे ऑप्शन है ना हेल्पिंग वर्ब का, हम मैं वो लगाऊंगी. ऐसा तो नहीं है कि मुझे इज लगाना है तो चलो मैं ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दूँ. नो, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. ओनली हेल्पिंग वर्ब यू कैन प्लेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब प्लीज कोई भी चेंज नहीं करेगा कि मैम इज लगाने का मन है तो इज ही करते रहेंगे. ठीक है, तो शी क्लीन्स द रैबिट्स का क्या हो जाएगा, द रैबिट्स आर, फिर वर्ब का मुझे पता है थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो इसलिए मैंने क्लीन्स का क्या लिख दिया यहाँ पे, क्लीन. और बाय मुझे पता है अगेन यहाँ पे सर, क्योंकि वर्ब था शी, वो चेंज होके किस में चेंज हो गया, शी, हर में. ठीक है, तो द रैबिट्स आर क्लीन बाय हर. ठीक है, कोई डाउट नहीं. लेट्स मूव टू द फोर्थ सेंटेंस विच सेज जैकॉब ऑलवेज प्लेज गिटार. जैकॉब क्या है, यहाँ पे नेम है, विच इज आर सब्जेक्ट. बोलो, कोई कुछ बोल रहा था?
कंटिन्यू कर रही हूँ मैं. जैकॉब ऑलवेज प्लेज, क्या करता है वो? खेलता है वर्ब. और क्या, सॉरी, वो बजाता है. क्या बजा रहा है हमारा? गिटार, है ना. तो गिटार क्या है मेरा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. तो मैंने क्या लिखा? द गिटार. अब गिटार क्या है मेरा? सिंगुलर है, गिटार्स नहीं लिखा, इट्स रिटन गिटार. तो इसलिए गिटार इज ऑलवेज प्लेज का क्या हो जाएगा? वी थ्री प्लेड बाय. अब जैकॉब क्योंकि नाम है और मैंने कहा नाम में कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हम अपना वर्ब कोई हम अपने हिसाब से प्रनाम लिख दे या नाम बदल दे उसका, नहीं. तो जैकॉब का जैकॉब ही रह जाएगा. यहाँ पे अगर कुछ और नाम भी लिखा होता तो भी वही नाम लिखा होता, हम अपने हिसाब से नाम नहीं चेंज कर सकते या फिर उसकी जगह पे कोई प्रनाम नहीं लिख सकते. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का कन्वर्जन क्लियर है सबको? यस मैम. एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो. इसके बारे में अगर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के बारे में किसी का कोई डाउट है प्लीज शेयर कीजिए ताकि मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं. और अगर नहीं है तो देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. किसी को क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट के बारे में. हाँ, सिंपल प्रेजेंट में कोई डाउट है किसी को? नो मैम. नो, देन इट्स फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. तो सिंपल प्रेजेंट के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ये अभी कौन लॉग आउट किया है? पहले मेरे पास 6 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे थे, अभी 5 ही है. कोई भाग गया नहीं. मैंने ध्यान नहीं दिया नाम. अच्छा ठीक है, चलो. तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो उसके बाद अब कौन सा फॉर्म है हमारे पास टेंस का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है हमारे पास. कौन सा है? कॉन्टिन्यूस. शिवम चला गया. तो शिवम ठीक है. हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा, उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लिखा हो सकता है? इज, एम, आर, कुछ भी लिखा हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. और साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर वी वन प्लस आई एन जी, जैसे कि मैंने लिखा है ईटिंग यहाँ पे. तो अगर मुझे इसका पैसिव फॉर्म चेंज करना है तो क्या चेंज होगा? हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब वही यूज करेंगे जो हम एक्टिव में यूज करेंगे. बस ये है क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, तो हम नए सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो बेटर क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हम बींग लगाएंगे, बी ई आई एन जी, बींग. उसके बाद तो हमें पता ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, फॉर्म में कोई चेंज नहीं करना, तो हमने वी थ्री लगाना है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो इस सेंटेंस को. जैसे मैंने लिखा दे आर ईटिंग बनानास, क्या ये कॉन्टिन्यूस टेंस है? हाँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर यूज हुआ है और वी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हुआ है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सेंटेंस में. सेंटेंस क्लियर है, कोई मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस में, तो इसे हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं. अब कैसे चेंज करेंगे? तो हमारा यहाँ दे क्या है? सब्जेक्ट है. ईटिंग क्या है? हमारा वर्ब. और बनानास क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करेंगे. यहाँ पे दो बनानास कर लो. ठीक है, दे आर ईटिंग दो बनानास. तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा? द बनानास, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया. उसके बाद मैंने कहा बनानास. अब तो बनानास क्या है? प्लूरल है ना. Yes, ma'am. तो इसीलिए हम यहाँ पे आर यूज करें. तो बनानास आर. उसके बाद मैंने क्या कहा? बींग यूज करेंगे. तो बींग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट का क्या हो जाएगा? ईटन बाय. और दे जो प्रोनाउन है वो किस में चेंज हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन देम में. ठीक है, दे कन्वर्ट हो गया देम में. अच्छा, यही सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता कि दे आर ईटिंग बनाना, बनानास ना लिख के बनानास सिर्फ लिखा होता, तो क्या हम यहाँ पे आर यूज करते? बताइए. नो मैम. नो, क्यों नहीं करते? क्योंकि बनाना लिखा होता विच इज अ सिंगुलर, तो हम सिंगुलर के साथ आर नहीं यूज कर सकते, इसीलिए हम इज यूज करेंगे. मेरा कहने का मेन मोटिव ये है
कि ऐसा नहीं है कि अगर हम एक्टिव में आर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो पैसिव में भी आर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा इंटरचेंज हुआ है, तो इसकी वजह से मैं जो नया सब्जेक्ट मेरा फॉर्म हुआ है जो कि पहले में मेरा ऑब्जेक्ट था, उस हिसाब से मैं चेंज करूंगी, कन्वर्ट करूंगी। तो ऐसा कोई नीड इम्पॉर्टेंट रूल नहीं है कि हम जो एक्टिव में है वही पैसिव में रहे। कई जगह पे तुमको सेम दिख सकता है बट कई जगह पे डिफरेंस भी हो सकता है, तो प्लीज डू कीप इट इन माइंड। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज बॉब इज ड्रॉइंग अ डायग्राम। बॉब इज अ नेम, बॉब जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इज उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया मैंने, ड्रॉइंग और वर्ब, एंड अ डायग्राम इज अ ऑब्जेक्ट। तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, अ डायग्राम इज, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ कर रहा है ना वो, एक डायग्राम, तो डायग्राम सिंगुलर है इसलिए इज, फिर बीइंग और वर्ब का थर्ड फ्रॉम ड्रॉ का ड्रॉन, तो ड्रॉन बाय अ बॉब। नेम है किसी का, नेम हमने बोला कोई चेंज नहीं होगा, नेम नेम ही रहेगा, इसलिए अ डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन बाय बॉब। ठीक है, लेट्स सी व्हाट थर्ड सेंटेंस इज। थर्ड सेंटेंस इज स्मिता इज प्लेइंग पियानो। ठीक है, स्मिता इज प्लेइंग पियानो। स्मिता क्या है, मेरी सब्जेक्ट है विच इज अ नेम अगेन, उसके साथ मैंने इज हेल्पिंग वर्ब लगाया क्योंकि शी इज सिंगुलर, उसके बाद वर्ब क्या है मेरा, वर्ब प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, द पियानो। इंटरचेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लीज। अच्छा, द पियानो, यहाँ पे द पियानो को पैसिव में लिख लेना जहां मैंने अ पियानो लिखा हुआ। ठीक है, ये द लिख, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, द समझ में आ रहा है लिखा हुआ, किड्स, ये मैंने जो पैसिव फॉर्म में द लिखा है समझ में आ रहा है? कोई आंसर नहीं करेगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा? यस मैम, आ रहा है ना? ठीक है, नोट्स में लिखने की वजह से मैं पूछ रही थी कि बाद में ऐसा ना हो समझना है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ द पियानो लिखा था इसलिए द पियानो लिखेंगे। तो स्मिता इज प्लेइंग द पियानो, इसका कन्वर्जन हो जाएगा द पियानो इज बींग, फिर वो आपका थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड हो जाएगा और बाय स्मिता। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू फोर्थ। शी इज राइटिंग फॉर रीमा, वो रीमा के लिए लिख रही है, मतलब रीमा ने कुछ कहा होगा उसे लिखने के लिए, तो इसलिए वो रीमा के लिए लिख रही है। लेट्स सी, तो शी क्या है हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉरी वेटिंग फॉर रीमा है, आई एम सो सॉरी, कि वो रीमा के लिए वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। ठीक है, तो वेटिंग क्या है हमारा यहाँ पे, वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रीमा, देखो रीमा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि शी भी हमारा जो हमारा है वो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, और रीमा क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो रीमा, उसके बाद क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हुआ, रीमा इज बीइंग, वेट का हो जाएगा वेटेड फॉर बाय हर। ठीक है, ये वाला फॉर जो था रीमा के साथ, ये फॉर हमने यहाँ लगाया। ठीक है, वर्ब के बाद, इसमें कोई डाउट, बोलो? नो मैम, नो मैम। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करेंगे तो उसका एक्टिव में क्या लिखा होगा, या तो हैज लिखा होगा या हैव लिखा होगा, उसके बाद मान लो जैसे डन लिखा हुआ, बीन है, मैंने बीब लिख दिया, तो उसके साथ क्या लिखूंगी मैं, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है और थर्ड फॉर्म ही लगाना है मुझे, इसे चेंज नहीं करना। तो पैसिव फॉर्म में चेंज करते टाइम हैज या हैव साथ में रहेगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा एक्स्ट्रा, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगाते थे बीन, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, तो हैज हैव प्लस बीन प्लस डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म था। एग्जांपल देख लो, जैसे कि हैज ही
डन द वर्क, क्या उसने काम कर लिया, इसका कन्वर्जन हो जाएगा Has he done the work? इसमें सब्जेक्ट क्या है, कोई बताओ मुझे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, बताओ, लेट मी नो व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. He क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, has क्या है हेल्पिंग वर्ब, डन क्या है हमारा वर्ब, और वर्क क्या है हमारा ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्जन हुआ has का has क्योंकि क्वेश्चन ही. अच्छा, अगर मुझे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन के फॉर्म में मेरा एक्टिव सेंटेंस है, तो मैं आंसर लिखते टाइम भी पैसिव फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में ही रखूंगी, आंसर फॉर्म में नहीं रख सकती मैं उसे. जो फॉर्म लिखा है सेंटेंस का, विथ दैट आई कांट चेंज व्हाइल कन्वर्टिंग इन पैसिव सेंटेंसेस. तो अगर क्वेश्चन फॉर्म में पूछा है तो यू विल आंसर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ओनली. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस पूछा गया हैज ही डन द वर्क, तो हैज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हैज ही रहेगा. उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द वर्क आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है द वर्क. उसके बाद बीन, ठीक है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि है डन, और फिर बाय हिम, तो सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट देखते हैं, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट. तो दे क्या है मेरा यहाँ सब्जेक्ट, लेफ्ट क्या है वर्ब, और अपार्टमेंट क्या है ऑब्जेक्ट. तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा. अच्छा, अब अपार्टमेंट की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, एक अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, अपार्टमेंट्स नहीं लिखा हुआ ना, अपार्टमेंट लिखा है क्योंकि अपार्टमेंट सिंगुलर है यहाँ पे. तो देखो एक्टिव में मेरा हैव लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने क्या कर दिया, हैव चेंज होके किस में हो गया, हैव में, सॉरी हैज में. तो हैज द अपार्टमेंट बीन, और लेफ्ट का तो लेफ्ट ही रहेगा इसमें, फॉर्म को इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो लेफ्ट का लेफ्ट बी3, और बाय देम जो दे था यहाँ पे प्रोनाउन वो चेंज होके किस में हो गया, देम. ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखो, ही हैज क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, उसने यह मास्टरपीस क्रिएट किया. तो ही क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, क्रिएटेड क्या है वर्ब, और मास्टरपीस क्या है, दिस मास्टरपीस हमारा क्या है ऑब्जेक्ट. तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंटरचेंज करेंगे हम, राइट right? तो चेंज होके हो गया दिस मास्टरपीस. अब मास्टरपीस क्या है, सिंगुलर है इसलिए मैंने हैज लगाया, उसके बाद बीन लगाना है मुझे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो मुझे पता ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, साथ में बाय, और ही जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो यहाँ चेंज होकर हिम में हो गया. ठीक है, कोई डाउट नहीं है. चलो फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, ही हैज रीड द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा. ठीक है, ही क्या है मेरा सब्जेक्ट, रीड क्या है वर्ब, और न्यूज़पेपर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट. तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करेंगे, द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और हैज क्योंकि न्यूज़पेपर क्या है सिंगुलर, बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो ही था यहाँ पे प्रोनाउन वो कन्वर्ट होके किस में हो गया, हिम में. ठीक है, क्या किसी को कोई डाउट है प्रेजेंट परफेक्ट तक, अनम्यूट करके बताइए, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम. ठीक है, तो आपको क्योंकि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो आई थिंक वी शुड एंड द मीटिंग नाउ. आपका होमवर्क, प्लीज डू रिमेम्बर, आपको सेंटेंसेस लिखना है हर एक फॉर्म का. मैंने टोटल 3 फॉर्म पढ़ा दिया कन्वर्जन में, हर फॉर्म का 5 सेंटेंस, उसका कन्वर्जन आपको नेक्स्ट क्लास से पहले होना चाहिए. जितना नोट्स है ये मैं अभी लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, ओके बाय, थैंक यू मैम. हाँ बोलो.
ये जो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन है इसी पे आएगा? हाँ हाँ, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन तुम अपने क्लास का खोलोगी ना उस पे आ जाएगा। ओके मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।